नमस्कार, आप सभी पशुपालक भाई को पशुपालन जानकारी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। अभी आप सब पशुपालक भाई जो है अभी चिंता में है कि एक नया सा बीमारी फैल रहा है, एक गांव से दूसरा गांव, दूसरे गांव से तीसरा गांव, और बहुत सारा पशु का जान माल का हानि हो रहा है। ये नया बीमारी है जिसको हम चमड़ी का गांठ का रोग बोल रहे हैं, या तो लैम्पी स्किन डिजीज बोल रहे हैं, या तो LSD बोल रहे हैं। ये बीमारी वायरस से होता है। एक जो है LSD वायरस है, जिसका जेनर जो है केपरी वायरस है, और इसका फैमिली जो है पॉक्स वायराइडी है। ये जो सा वायरस है, ये 1929 में ये अफ्रीका का जाम्बिया नामक कंट्री में ये सबसे पहले दिखाई गया था, वहाँ के पशु में हुआ था। उसके बाद उस बीमारी को उसी कंट्री में ही मतलब जो है कंट्रोल करके रखा गया। इसके बाद 2007 में ये बीमारी जो है थोड़ा सा वहाँ से बाहर मतलब वहाँ पे गांव में आ गया, जाम्बिया का गांव का जितना भी पशु है उसमें होना चालू हो गया। उसके बाद 2010 में ये लैम्पी स्किन डिजीज जो है कौन सा गल्फ कंट्रीज है, गल्फ कंट्रीज में वहाँ पे आ गए। उसके बाद 2013 में ये जो है पूरा गल्फ कंट्री कवर करते हुए ये जो है फिर चाइना, चाइना के पास बांग्लादेश, बांग्लादेश होते हुए 2019 में ये बीमारी जो है हिंदुस्तान में आया है। हिंदुस्तान का उड़ीसा में ये बीमारी फैल गया था, तो उस टाइम किसी को समझ में नहीं आ रहा था ये बीमारी कौन सा है। उसके बाद ये बीमारी आस्ते आस्ते वहाँ से महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से गुजरात, गुजरात के बाद राजस्थान, राजस्थान में जब आया ये बीमारी तब वहाँ पे जो है तहलका मचा दिया, कोहराम मच गया। एक तरफ से जो है पशु इन्फेक्टेड हो रहा है, एक गांव से दूसरे गांव तक फैलते जा रहा है, और इसका जो सा मोर्टेलिटी रेट है वो 10% तक, मतलब 100 में से 10 इन्फेक्टेड पशु से मरते गए। जो सा पशु को हो गया उसका दूध कम हो जाता है, उसके बाद जो है उसके ठीक होने के बाद भी वो जो है पशु उतना काम का नहीं रहता है। तो ये बीमारी जिस हिसाब से फैल रहा है, इस हिसाब से पशुपालक भाई को उतना जानकारी नहीं है। तो ये बीमारी जो सा फैल रहा है, इसका बाहक होता है, ये वायरस है, इसका बाहक होता है जिसको हम कलीली बोलते हैं, कलीली टिक्स बोलते हैं। एक इससे एक ये मक्खी या तो मच्छर, और जो है अगर कोई भी डॉक्टर साहब अगर इस पशु को अगर इंजेक्शन लगाएगा, वही नीडिल अगर दूसरा पशु को लगाएगा तो उससे जो है ये बीमारी फैलता है। तो ये जो सा पशु है, गाय है, इसमें कल रात से ये बीमारी दिखना चालू हो गया, क्योंकि इसमें दिखाई भी दे रहा है इतना टिक्स है इसमें, तो इसमें तो होने का उम्मीद भी था, बहुत ज़्यादा टिक्स है। जैसे ये है, इसमें क्या होता है, ये जो सा बीमारी है, ये बीमारी का लक्षण ये है, ये 3 से 12 दिन तक ये बीमारी अगर होगा भी इसके अंदर तो वो इनक्यूबेशन में रहेगा, तो वो बीमारी बाहर नहीं आएगा। उसके बाद इसको तेज़ बुखार आएगा, जैसे अभी दिखाई दे रहा है इसको जो है बुखार है, इसका बुखार जो है 104 से 105 डिग्री है। उसके बाद इससे नाक, मुंह और आँख से जो है पानी गिरेगा। उसका कुछ दिन बाद क्या होगा, इसका शरीर में छोटा छोटा जैसे ये दाना है, ये छोटा छोटा गाँठ जैसा दाना बनेगा, ये जो है दाना बनेगा, छोटा छोटा गाँठ जैसा दाना बनेगा। ये दाना फिर आस्ते आस्ते बढ़ते जाएगा, बढ़ने के बाद ये जो है छाले बन जाएगा। उसके बाद उसके अंदर जो है पानी जमा हो जाएगा, पानी जमा होने के बाद कुछ दिन बाद वो जो है एकदम सख्त हो जाएगा, गाँठ जैसा बन जाएगा। उसके बाद क्या होगा, कुछ गाँठ जो है फट जाएगा, फटने के बाद वहाँ पे जो है मवाद बनेगा, पास बनेगा, और वहाँ पे दूसरा बैक्टीरिया उसमें घुसेगा, और वो जो है एक तरह की जो है जख्म जैसा बन जाएगा, और जो सा गाँठ बना हुआ है वो गाँठ जो है चमड़ी में रह जाएगा। तो यही है, जैसे ये है, ये जो है इसको जो है खाली चालू हुआ है, ये जो है 4-5 दिन में पूरा शरीर में जो है फैल जाएगा। तो ये जो सा पशुपालक भाई है, तो इनको हमने, इनको भी इसके बारे में पता नहीं है, इनको हमने बोला है ये पशु को जो है अलग करके रखो, इसका खाना पीना अलग रखो, बाकी पशु से जो है दूरियाँ बना के रखो इनको, क्योंकि आजकल ये जो सा बीमारी है LSD, ये तो गोवंश का ही है, लेकिन आजकल ये जो है भैंस में भी हो रहा है, ऊंट में भी हो रहा है, घोड़े में भी हो रहा है, तो ये जो है चेंज हो रहा है, तो उसमें भी होने का संभावना है।
इसमें क्या होता है, अगर पशु अगर गाभिन है तो वो बच्चा गिराने का खतरा होता है। जैसे जिस पशु का दूध होता है, दूध एकदम सूख जाता है। जब ये बीमारी होता है, इसका खाना पीना कम कम हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा। और इसको अगर सही टाइम पे, जैसे अभी बुखार है, अभी इसको जो है, क्योंकि ये वायरल बीमारी है, वायरल बीमारी का कोई इलाज नहीं है, लेकिन इसका क्या है, जैसे जैसे लक्षण है उसका इसका इलाज होगा। जैसे इसमें अभी बुखार है तो इसको जो है बुखार का जो सा इंजेक्शन है वो इसको लगाते रहना पड़ेगा जब तक इसको जो है बुखार रहेगा। उसके बाद जहाँ जहाँ जैसे ये छोटा छोटा दाना बन गया है यहाँ पे, जैसे ये फिटकरी फिटकरी लगा दिया, और क्या लगाया इसमें, नीम का। हाँ, और जो है नीम का जो है पत्ता जो है वो पीस के उसका रस इसमें लगा दिया, इसमें आराम मिलता है। तो जौन सा पशु अभी जो है आसपास वाला गांव वाला जहाँ पे ये बीमारी हुआ नहीं है, तो सरकार की तरफ से जो है वैक्सीन लगा रहे हैं, आ रहा है IAL का आ रहा है या तो हेस्टर का आ रहा है, तो वो वाला वैक्सीन जो है इस उन सुस्त पशु को अगर लगाएंगे, हेल्दी पशु को, तो वो बीमारी जो है उस पशु में नहीं आएगा, नहीं तो वो क्या होगा, ये बीमारी जो है उन पशु में भी होने का संभावना है। तो इस पशुपालक भाई से हमारा यही सलाह है कि इनका जो है सेवा करो, अभी इनको ध्यान रखो, इनको बुखार है, बुखार का इलाज कराओ। और शाम को एक काम करना है आपको, जो है नीम का पत्ता है, नीम का पत्ता एक जगह पर रख के उसमें आग लगा देना, उसका धुआं करो, तो जो मच्छर है, ठीक है ना, तो ये सब जो है यहाँ से हट जाएगा। और जो सा आपका टिक्स ये कलीली है वो है, इसको भी जो है आप बीच बीच में ब्यूटोक्स का स्प्रे कराओ, ठीक है। जैसे अगर आपके पास चूना पाउडर है, चूना पाउडर का भी आप क्या बोलते हैं छिड़काव कर सकते हैं, ठीक है। और भी एक तरीका होता है जो सा वो आग का फायर बर्नर बोल गए हम, उससे भी अगर आप अगर जैसे ये है फ्लोर है, इसमें भी अगर वो करेंगे जहाँ जहाँ टिक्स है, क्योंकि वही टिक्स क्या करते हैं, ये बीमारी दूसरे पशु से ले आके इसमें हुआ है। तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आप अगर ध्यान रखेंगे तो ये पशु जो है 10-12 दिन बाद जो है ठीक हो जाएगा। धन्यवाद।